हेलो फ्रेंड्स, तो बात करने वाले हैं लवली एनीकॉइन के अपडेट्स के बारे में। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिली है लवली एनीकॉइन के लिक्विडिटी में, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ लवली एनीकॉइन का प्राइस में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, यहाँ से कितना ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, क्या रेजिस्टेंस है, सब कुछ डिटेल में कवर करने वाला इस वीडियो में। तो यार चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर मैं लवली एनीकॉइन को BSE स्कैन में खोला हुआ हूँ। यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है लवली एनीकॉइन का, वो है इनकी होल्डर्स। इनके होल्डर्स देखोगे तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट बढ़ते जा रही है, और ये ऑर्गेनिक होल्डर्स है। 5,217 एड्रेसेस कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज अनाउंसमेंट किया है, जहां पे अगर आप अच्छा से देखोगे तो BSE स्कैन पे जो आपको देखने को मिल रहा है 14 ट्रिलियन की जो टोकन थी, वो लिक्विडिटी जो मेंटेन किया हुआ है MXC ग्लोबल। यहां पे देखो तो ऑलमोस्ट 14 ट्रिलियन को लवली एनीकॉइन टोकन जो है ये मेंटेन किया हुआ है MXC ग्लोबल। तो बेसिकली MXC ग्लोबल लवली एनीकॉइन के लिए काफी बड़ा एक्सचेंज हो सकता है। और यहां पे सेकंड नंबर पे देखोगे तो ये बेसिकली लवली एनीकॉइन का डेवलपर है, जिसके पास ऑलमोस्ट 3.8 ट्रिलियन टोकन है, जिसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन डॉलर है। तो गाइस इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये टोकन को शॉर्टेज को मेंटेन करने में मदद करते हैं कि किसी को भी कभी भी शॉर्टेज ना हो अगर कोई टोकन बाय करता है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर पे देखोगे तो यहाँ पे एक डेक्स टूल है, जहाँ पे पैनकेप स्वैप में भी लवली एनीकॉइन का ऑलमोस्ट 331 बिलियन टोकन इनके पास भी लिक्विडिटी में फॉर्म है। तो मतलब अगर किसी को पैनकेप स्वैप से बाय करना तो यहाँ पे 331 बिलियन तक का ही बाय कर सकता है, उससे ज़्यादा बाय करना तो यहाँ पे उनको MXC ग्लोबल में आना होगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे मुझे अपडेट देखने को मिली, वो देखोगे मिलेगी इनका इथीरियम स्कैन पे, जहाँ पे देखो तो होल्डर्स 584 है। होल्डर्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिला है, लेकिन जो इनका एक्सचेंज है जो कि बिटमार्ट है, उसमें मोमेंटम में काफी ज्यादा लोगों को शिफ्ट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट गाइज मैंने देखा था बिटमार्ट में 20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा टोकन था यहाँ पे बिटमार्ट में, लेकिन ये गाइज अब घट के 15 ट्रिलियन हो चुका है। और ये जो बाकी की जो लिक्विडिटी है, मतलब जो 20 ट्रिलियन से जो घटा हुआ है, वो टोकन जो सारा शिफ्ट होकर UB ग्लोबल और यहाँ पे Gate.io में लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी गई है। जहाँ पे लिक्विडिटी देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.9 ट्रिलियन और यहाँ पे 3.0 ट्रिलियन के अराउंड देखने को मिलेगा। तो टोटल टोकन जो यहाँ पे आ चुकी है गाइज, वो 23.5 ट्रिलियन जो है टोकन वो एक्सचेंजेस के पास आ चुकी है, जिससे पता चलता है कि एक्सचेंजेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल और भूमिका निभाते हैं अगर लिक्विडिटी के फॉर्म में पड़ी हुई इनके पास है तो। और ये लिक्विडिटी मेंटेन की है फोर्थ नंबर के एक्सचेंज जो कि लवली एनीकॉइन का अगेन डेवलपर है, जो कि मैंने BSE स्कैन पे भी देखा था सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे भी ये सब लिक्विडिटी जो है ये मेंटेन करता है लवली एनीकॉइन के डेवलपर, जिनके पास भी ऑलमोस्ट देखो तो ऑलमोस्ट 500 बिलियन टोकन है। मतलब कि कभी भी कोई शॉर्टेज ना हो अगर कोई बंदा को यहाँ पे खरीदना चाहता है लवली एनीकॉइन, तो ये गाइस सब मेंटेन करता है। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था। उसके बाद यहाँ पे लवली एनीकॉइन के जो फाइनेंस के यहाँ पे CMO है, उनका काफ़ी बड़ा प्लान है बाइंग अ प्राइवेट जेट, और लवली एनीकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बिलियन डॉलर में करने की प्लान है। तो ये कहीं ना कहीं गाइस हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लवली स्वैप का यहाँ पे ऑडिटिंग कभी भी कंप्लीट हो सकता है हैकथेन के द्वारा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और कुछ यहाँ पे हाइप आपको क्रिएट जरूर देखने को मिलेगी। जहाँ पे देखो तो लवली स्वैप में 0% ट्रेडिंग फी है। बाकी लवली की अगर बात करें किस लेवल पे बाय करना, कहाँ पे बाय करना, कहाँ पे सेल करना, तो आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाय ऑर्डर लगा हुआ है 200 बिलियन टोकन से भी ज़्यादा, जो कि 38 की सीरीज पे आप यहाँ पे देख सकते हो। 38 की सीरीज पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाय ऑर्डर लगी हुई है, सॉरी 32 की सीरीज में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाय ऑर्डर लगी हुई है ऑलमोस्ट 200 बिलियन टोकन से भी ज़्यादा। और जो सेल ऑर्डर लगी गई यहाँ पे 43 की सीरीज पे यहाँ पे सेल ऑर्डर लगी है। टेक्निकली समझाओ तो यहाँ पे देख लो टेक्निकल चार्ट से भी वो समझ में आएगा कि जो लवली एनीकॉइन प्राइस है, एक बार यहाँ से वो टच हुआ, फिर दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट देने मिला, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं 38 की सीरीज पर रेजिस्टेंस पे लवली एनीकॉइन अभी फिलहाल के यहाँ पे रखा हुआ है। अगर यहाँ पे गाइस ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाता लवली एनीकॉइन का, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला प्राइस में, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 43 के लेवल पर होगी, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है लवली एनीकॉइन का वो 3.2 की सीरीज पर। यहाँ पर लवली एनीकॉइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लवली एनीकॉइन से रिलेटेड। उसके बाद गाइस अगर अगले अपडेट की बात करो तो लवली एनीकॉइन प्राइस में आज के दिन में करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जहां पे प्राइस में 6% का आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। बाकी यहां पे हाइप ऑलरेडी क्रिएटेड है मार्केट में, जैसे देखोगे तो लवली एनीकॉइन मोस्ट ट्रेडेड कॉइन इन लास्ट 24 आवर्स बन चुका है। और यहाँ पर भी गाइस BNB चेन में सोशल एंगेजमेंट में सेकंड नंबर पर लवली एनीकॉइन आता है। वीडियो में था, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।